नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी साइंस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, और टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट में लगभग 15 के आसपास टेस्ट हैं वो आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। ये एक ऐसा पड़ाव है जिसमें तकरीबन आप ये मानिए कि 10 क्वेश्चनों का पार्ट लेके अपन चलते हैं, तो 10 से आप लगभग ये समझिए 30 से 40 क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो 10 से कम का मटेरियल तो ले नहीं रहे हैं, 10 क्वेश्चनों को ले रहे हैं मित्रों। 10 से एक टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा नहीं होता, और उस टाइम ड्यूरेशन में आप यूं समझेगी आप अच्छी अच्छी चीजें कैसे बाहर निकालें, किन प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से निकालें, और जो पीछे की जो एग्जाम्स है, जो भी ओल्ड पेपर्स हैं या जो भी मान लो JTU है, KBS है, या अन्य जो भी एग्जाम हुए, NVS का हुआ, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड या सेकंड का एग्जाम जो हुआ, DSSB में जो एग्जाम हुआ, उनमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी शामिल कर रहे हैं। एक साथ 3-4 प्रश्न आप कैसे तैयार करें, वो सारा मटेरियल जो है वो टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। आज का अपना आप देख पा रहे होंगे लिखा है मेन फीचर्स ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, यानी मेन फीचर्स ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन की बात करें मित्रों, तो आप हिंदी में ले हो सबसे पहले तो कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की विशेषताएं। अब आप द्विबिंदु बोले तो द्विबिंदु अंग्रेजी का करेंगे ट्रांसलेट तो ये हो जाएगा कोलन क्लासिफिकेशन, और ये कोलन क्लासिफिकेशन मित्रों वही है जो जिसको डॉक्टर SR रंगानाथन क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, कितने संस्करणों को करते हैं, कौन सा संस्करण इसका पुनर्मुद्रित होता है, पुनर्मुद्रित संस्करण कितने भागों में है, डॉक्टर SR रंगानाथन ने किन किन चीजों पर विशेष जोर दिया है, ये सारी की सारी बातें अपन पूर्व की क्लासेज में कर चुके हैं। आज अपन इसकी कुछ एक खास विशेषताएं हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। इसके संस्करण जो पब्लिश हुए, पहला 33 में हुआ, तो 39 में हुआ, 50 में, 52 में, 57 में, 60 में, पुनर्मुद्रित हुआ 63 में, कितने भागों में था पुनर्मुद्रित, तो 3 भागों में था। 7वें संस्करण का वर्तमान में प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा, तो ये छोटी छोटी सारी जो बातें हैं वो अपन क्या करेंगे आज के सेशन में करेंगे। तो बिना कोई देरी के क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले आज का अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा मित्रों वो है CC के अंतिम संस्करण को प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। देखो सबसे पहले तो आप यूं समझिएगा, आप शब्दों को पकड़िएगा, शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है मित्रों। अपन क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चन के अपन लैंग्वेज पे क्या नहीं करते, कोई जोर नहीं देते। सबसे पहले जिस चीज को अपने को पकड़ना है वो है इसकी भाषा। देखो लिखा हुआ है अंतिम संस्करण, लिखा हुआ है क्या भाई, अंतिम संस्करण। अब अंतिम संस्करण से कैसे लेंगे आप, यानी यहां है CC, यहां है क्या भाई CC, CC बोले तो कोलन क्लासिफिकेशन, CC बोले तो क्या भाई, तो आप याद रखिएगा कोलन क्लासिफिकेशन। और बात याद रखिएगा मित्रों इस कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में भी कि इसका प्रथम संस्करण जो 1933 में था, अब बात करें यहां पर कौन से संस्करण की, अंतिम संस्करण की, अंतिम संस्करण कब है तो 1987 में। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि अंतिम संस्करण जो 1987 में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। आप हमें बता पाएंगे ऐसा भी कि ये एक ऐसा संस्करण था जो क्या था भाई, क्या था, मुक्त लिखा रहेगा एक तो नाम, मुक्त पूर्ण मुक्त, और एक नाम आ जाएगा पक्षात्मक। अपन ने जब बात की थी विषय शीर्षक निर्माण की विधियों की, विषय शीर्षक निर्माण की विधियों की, तो वहां भी अपन ने 2-3 चीजें शामिल की थी। एक तो 10 विभाजन किया था, एक द्विविभाजन किया था। ऐसे ही अपन ने बात की यहां पर क्या है, विषय वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकारों की, तो यहां पर वर्गीकरण पद्धतियों के जो प्रकार थे उनमें भी अपन ने CC को शामिल किया था। CC को 3 भाग बांट दिए थे, ये तो है इसका अंतिम। दूसरा था मुक्त पक्षात्मक, दूसरा था क्या भाई, मुक्त पक्षात्मक, और पहला था अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। दोस्तों आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आप इसको क्या करके रखिएगा, शामिल करके रखिएगा, आपके दिमाग को जोर तो आएगा लेकिन एक साथ कई सारे प्रश्न जो है वो क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब प्रश्न ले लेते हैं यहां से कि CC के अंतिम संस्करण को प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो अपने पास ऑप्शन है AK नीलमेघनन की, दूसरा S सीतारामा, तीसरा M गोपीनाथ, और चौथे कौन है, चौथा लिखा है उपयुक्त सभी। यहां उत्तर बन जाएगा क्या भाई, उपयुक्त सभी। अब इन तीनों का जिक्र कर लेते हैं मित्रों अपन। सबसे पहले अपन ले लेते हैं AK नीलमेघनन को, AK नीलमेघनन को, यानी नीलमेघनन को अपन ले लेते हैं। ये नीलमेघनन जो है मित्रों, ये डॉक्टर SR रंगानाथन के क्या रहे हैं, ये सहचरी रहे, यानी साथ चलने वाले, साथ में काम करने वाले रहे। आप एक चीज और याद रख लीजिएगा यहां से, आप याद रखिएगा DRTC को, इसको याद रखिएगा DRTC को। वास्तव में DRTC है क्या, DRTC है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है मित्रों, 1962 में बनता है। नीलमेघनन को यहां पर जोड़ा है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि नीलमेघनन को ही क्यों जोड़ा, तो आप याद रख लीजिएगा कि यहां पर बोले तो DRTC में एक तो था उद्घाटन करता,
एक तो था कौन भाई, उद्घाटन करता, एक तो थे कौन, उद्घाटन करता। अब उद्घाटन करता तो कौन है वो भी याद रखिएगा, तो उद्घाटन करता तो है सी डी देशमुख। उद्घाटन करता तो कौन है मित्रों, वो है सी डी देशमुख। और बात करेंगे स्वागत करता, बात करेंगे क्या भाई, स्वागत करता। अब ये स्वागत करता कौन था यहां पर, तो वो भी आप याद रखिएगा, यहां पर स्वागत करता जो थे वो कौन थे मित्रों, वो नील मेघनन थे। नील मेघनन, एस सीतारामा, एम गोपीनाथ, ये सभी लोग जो है मित्रों डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बाद इनका जो काम था, यानी काम बोले तो सीसी से संबंधित, ट्रिपल सी से संबंधित, या कोई डॉक्यूमेंटेशन के फील्ड में इन्होंने जो बड़ा काम करना था उससे रिलेटेड जो जो काम थे, सारे काम को आगे बढ़ाने वाले कौन थे, यही तीनों व्यक्ति थे। और आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु के 15 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद भाई, 15 वर्षों के बाद सीसी का यह जो 7वां संस्करण है ये क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। और भी कई सारी बातें आएंगी सीसी के 7वें संस्करण में, जैसे लिखाएगा अनुसूची, लिखाएगा अनुक्रमणिका यानी शेड्यूल, लिखाएगा इंडेक्सिंग नाम लिखाएगा, या और कोई छोटी छोटी चीजें आएंगी कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसमें इंडेक्सिंग नहीं है मित्रों, इसमें क्या नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं है। किस में इंडेक्सिंग नहीं है, सीसी के इस वाले संस्करण में क्या नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं है। क्या इंडेक्सिंग की वजह से क्या इसका कोई नुकसान फायदा हुआ, क्या नुकसान फायदा हुआ कि इंडेक्सिंग की वजह से, ये समझिए कि ये जो संस्करण है इसका कोई भी क्या नहीं हो पाया, उपयोग नहीं पाया। तो एक प्रश्न से संबंधित बहुत सारी बातें अपन शामिल कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे मित्रों। दूसरा अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन है कि सीसी के अंतिम संस्करण वही आ गया देखो 1987 का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या नहीं है। देखो अभी अपन ने बात किया अनुसूची का अभाव है, अपने पास ऑप्शन है अनुक्रमणिका का अभाव है, नियम का अभाव है, या सिद्धांत का अभाव है। तो यहां से उत्तर बना दीजिए मित्रों, इसमें किसका अभाव है भाई, अनुक्रमणिका का अभाव है। दो शब्दों को पकड़िएगा मित्रों, एक तो है अनुसूची और एक है क्या भाई, अनुक्रमणिका। यहां पर दो शब्द है अनुसूची और क्या भाई, अनुक्रमणिका। देखो इनको इस तरीके से याद रखना है, यहां से प्रश्न बना हुआ है पहले, यूजीसी नेट और केवीएस दोनों में बना हुआ है। एक तो है अनुक्रमणिका और दूसरा है मित्रों क्या भाई, अनुसूची। अब आप याद रखिएगा, जहां अनुसूची की बात आए ना, वहां तो आप याद रखिएगा किसको, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। यानी जहां पर अनुसूची की बात आए वहां तो आप किसको याद रखिएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को याद रख लीजिएगा। और जहां भी किसका आए नाम, जहां भी अनुक्रमणिका का बोले तो इंडेक्सिंग का जहां नाम आए ना मित्रों, वहां पर आप याद रखिएगा किसको, मेलविन डेवी को। वहां किसको याद रख लीजिएगा, वहां आप याद रख लीजिएगा किसको भाई, मेलविन डेवी को। यानी दो आदमी बहुत महत्वपूर्ण है, एक विश्व में पुस्तकालय विज्ञान को बड़ा बनाता है तो एक भारत में बनाता है। भारत में बनाने वाला व्यक्ति है वो शेड्यूल से जुड़ जाएगा, और वर्ल्ड वाला व्यक्ति जो है वो किससे जुड़ जाएगा, इंडेक्सिंग से जुड़ जाएगा। यहां देखो नाम लिखे हैं सिद्धांत और नियम, तो नियमों की व्याख्या दोनों व्यक्ति करते हैं। सिद्धांतों की व्याख्या की बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन तो है ही है मित्रों, एस आर रंगनाथन तो है ही है। साथ ही साथ रंगनाथन के साथ विशिष्ट व्यक्ति अगर कोई है यहां पर जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में भी विशिष्ट बात कहते हैं, कौन है उनका भी जिक्र कर देते हैं यहां पर। यह है डब्ल्यू सी बी सेयर्स जो है मित्रों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि जो समय पुस्तकालय विज्ञान में जो समय बीत गया वो मेलविन डेवी का था, और जो समय आएगा वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का होगा। ये भी क्या बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, उपसूत्र बनाते हैं। तो नियम और सिद्धांतों की व्याख्या कौन करते हैं, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन करते हैं। बढ़ जाते हैं मित्रों आगे, एक और नया क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि सीसी का 6वां पुनर्मुद्रित संस्करण, देखो यहां शब्दों को पकड़िए मित्रों, ये है पुनर्मुद्रित, पुनर्मुद्रित यानी रिवाइज एडिशन, रिवाइज भी कौन सा, तो यह है 6, यह है कौन सा भाई, 6 एडिशन, 6 में भी कौन सा भाई, रिवाइज, और रिवाइज ये 6 रिवाइज कब आया, तो वो भी आप याद रखिएगा, ये है सन 1963 में, कब आया भाई, 1963 में। कौन पब्लिश करने वाले हैं, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, और किस समय, इस समय किसके साथ विशेषाधिकार जुड़े थे, तो ये था SRLES यानी SRELS बोले तो शारदा रंगनाथन एडोलमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और यहां भी दोस्तों इसके बारे में एक वीडियो डाला हुआ है पहले का, वहां से आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक छोटी सी संस्था जो 1961 में बनती है एक पंजीकृत संस्था के रूप में, यानी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में, वो 1963 में बनती है। बीच में छोटी छोटी बातें आएंगे यहां पर, उसका भी पंजीकरण करेंगे। एक बार प्रश्न बना लेते हैं कि सीसी का 6वां पुनर्मुद्रित यानी 6वां रिवाइज संस्करण है वो कितने भागों में प्रकाशित किया गया। देखो हार्ड क्वेश्चन बनता है, कितने भाग है, 2
तीन, चार और पांच। पहले तो उत्तर बना दीजिएगा, कितने भागों में मित्रों? तो तीन भागों में है। तीन भाग कौन से हैं? तो तीन भाग में बनाइएगा। देखो पहला भाग तो है मित्रों क्या, पहला भाग तो है नियम, पहला भाग तो है क्या है मित्रों? नियम। दूसरे की बात करें ना तो दूसरा है अनुसूची, दूसरा है क्या भाई? अनुसूची। और तीसरे की बात करें मित्रों तो तीसरा जो है वो बन जाएगा आद्य आद्य एवं आद्य एवं धार्मिक ग्रंथों की अनुसूची। आद्य एवं धार्मिक ग्रंथों की, धार्मिक ग्रंथों की क्या भाई? धार्मिक ग्रंथों की अनुसूची। ये क्या बन जाएगा मित्रों? ये यहां पर तीन क्या है भाई? इसके भाग है। और किसकी बात करें अपन? रिवाइज एडिशन की बात करें, रिवाइज में भी कौन सा? छठवा रिवाइज संस्करण। तो इस तरीके से भी आप क्या रख लीजिएगा? याद रख लीजिएगा। बढ़ जाते हैं मित्रों आगे, नया प्रश्न ले लेते हैं। नया प्रश्न है एस, एस मेन क्लास है सीसी में। सीसी में भी मित्रों कहां से बात करेगा ये? तो ये बात करेगा या तो सीसी का छठवा, या तो कौन सा संस्करण? सीसी का छठवा। यानी क्या, किसकी बात करेगा, कौन से एडिशन के अकॉर्डिंग? तो आप याद रखिएगा सिक्स, या तो छठवा, छठवा कौन सा? तो 1960 में, या फिर सातवा, सॉरी सातवा नहीं, छठवा रिवाइज, या फिर तो छठवा या फिर छठवा रिवाइज। कब कब की बात करा है? तो 1960 और 1963 में। अब बात करा है दोस्तों एस मेन क्लास किस विषय को इंगित करती है? तो देखो एक तो है साइकोलॉजी, एक है फिजिक्स, एक है सोशियोलॉजी और एक है साइंस। तो इसको तो एक बार छोड़ दीजिएगा, इसका तो अपन साइंस की जगह बायोलॉजी कर लेते हैं। यहां पर एक नाम ले लेते हैं बायोलॉजी, यहां एक नाम ले लेते हैं क्या मित्रों? बायोलॉजी। अब मेन क्लास बनाओ, देखो यहां पर तो मेन क्लास बना दो जी, यहां तो मेन क्लास बना दो क्या भाई? जी। सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो ये बन जाएगी वाई, ये बन जाएगी क्या भाई? वाई। फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स बन जाएगा सी, और साइकोलॉजी की बात करें ना मित्रों तो ये बन जाएगा एस। तो मेन क्लास एस किसकी है भाई? साइकोलॉजी की है। दोस्तों साइंस का प्रश्न पूछा नहीं गया एग्जाम में, इसलिए अपने इसको क्या किया है, यहां से हटाया है। जो पूछा गया है वो है बायोलॉजी का, जी बायोलॉजी। यानी आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जी क्या होता है? बायोलॉजी होता है। और भी आपसे एग्जाम में जो पूछा गया है, केवीएस एग्जाम 2018 का पेपर आप उठा के देखेंगे, केवीएस एग्जाम 2018 का, तो उसमें इकोनॉमिक्स का पूछा हुआ है शायद तक, उसमें शायद तक इकोनॉमिक्स का पूछा गया है। इकोनॉमिक्स की मेन क्लास जो होती है वो अक्स होती है। इसके अलावा पहले एक बार मैथमेटिक्स का पूछा गया है, पहले एक बार किसका पूछा गया है मित्रों? मैथमेटिक्स का पूछा गया है। तो मैथमेटिक्स जो है वो क्या है भाई? बी है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में क्या है, बहुत पूछे गए हैं। आप लगातार देखेंगे तो आपको क्या होगा, इनसे पता चल जाएगा। और ले लेते हैं मित्रों मेन क्लास कृषि, एग्रीकल्चर की मेन क्लास क्या है? तो वही तरीका, देखो यहां पर बी जो है वो दो बार लिखा गया है, इसको भी आप बी की जगह कोई और बना लो, यानी ई बना लो यहां पर। अब ई से देखो, पहले तो प्रश्न देखो कि एग्रीकल्चर की मेन क्लास है, ऑप्शन है बी डी जे और ई। अब पहले तो उत्तर बना दो, जे क्या होता है मित्रों? जे एग्रीकल्चर होता है। जे क्या होता है? जे जो है वो एग्रीकल्चर होता है। जे क्या होता है भाई? एग्रीकल्चर होता है। अब यहां पर प्रश्न देखो बी क्या है, तो बी है मैथमेटिक्स। बी क्या है भाई? बी है मैथमेटिक्स। बी है क्या मित्रों? मैथमेटिक्स। डी की बात करें तो डी है इंजीनियरिंग। डी जो है मित्रों वो क्या है? डी जो है वो है इंजीनियरिंग। डी इंजीनियरिंग है। और ई अपन ने बनाया है, और भी कुछ बना सकते थे यहाँ, जेड भी बना सकते थे। ई की बात करेंगे मित्रों तो ई जो है वो है ई केमिस्ट्री। ई क्या है मित्रों? ई है वो केमिस्ट्री। ऐसे आप सभी को याद रखेंगे, सभी को आप याद रखेंगे तो आपको मेन क्लास याद हो जाएगी। सभी को आप याद रखेंगे तो क्या याद हो जाएगी भाई? मेन क्लास याद हो जाएगी मित्रों। एक क्वेश्चन जो है वो मेन क्लास से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप मेन क्लास को भी थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, जिससे आपको जहां जहां डाउट्स होंगे वहां वहां याद हो जाएंगे। अब मान लीजिए कहीं कुछ है, जैसे मेन क्लास एन आ गया, मान लो जैसे फाइन आर्ट आ गया, तो फाइन आर्ट भी आप जोड़िए, फाइन आर्ट के साथ में आर आ गया, तो आर मेन क्लास ना होकर फाइन आर्ट के साथ में आर क्या हो जाएगा? म्यूजिक हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा भाई? म्यूजिक हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप जोड़ जोड़ के करेंगे तो आपका काम ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आगे प्रश्न बन रहा है दोस्तों क्या, जे 3751 डी। अब देखो यहां इस डी को प्रदर्शित कर रहा है कि सीसी की किस विधि को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये विधियों से अपने एक क्वेश्चन उठाया है यहां से, जो विधियां हैं यानी यूज ऑफ डिवाइसेज इन सीसी एंड डीडीसी, यानी सीसी और डीडीसी में प्रयोगित होने वाली विधियां, प्रयोगित होने वाली विधियां, उनमें देखो पहला तो लिया है फेजलेशन। पहली विधि तो कौन सी है भाई? ये तो है फेजलेशन। ये तो कौन सी विधि है मित्रों? ये तो है फेजलेशन। इसके बाद में ये अल्फाबेटिकल, यानी दो बार छप गया मित्रों, वर्णानुक्रम जो है वो दो बार छप गया। एक बार आप इसको उठा दीजिएगा, यहां पर एक दूसरा नाम ले लीजिएगा, वर्णानुक्रम की जगह ले लीजिएगा, यहां पर कालक्रम की जगह क्या ले लीजिएगा? प्रवर्ती विकास ले लीजिएगा, कोई सिद्धांत कुछ विधि को ले लीजिएगा, यानी यहां पर विषय विधि को ले लीजिए मित्रों।
यहाँ पर ले लीजिए किसको भाई, विषय विधि को। ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में हुआ है मित्रों, पहले से देखा नहीं था। ये फेजिलेशन है, अल्फाबेटिकल है, सब्जेक्ट डिवाइस है और एक क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है। तो आप यहाँ से उत्तर बना दो, पहले तो उत्तर बनाओ डी, डी लिखा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या भाई, वर्णानुक्रम विधि हो जाएगा। अब कैसे आप इसको कैसे याद रखें, कैसे पता चलता है ये भी देखिएगा। देखो यहाँ पर लिखा है जी जे, जे के बाद में 5125, जे के बाद में क्या लिखा हुआ है 5125 नहीं 3751 लिखा हुआ है, जे के बाद में लिखा हुआ है 3751, 3751 लिखा हुआ है, जे के बाद क्या लिखा हुआ मित्रों 3751 लिखा हुआ है, 3751। ऐसे ही मैं एक जगह लिख लेता हूं डी, एक जगह लिख लेता हूं डी, और डी के आगे लिख लेता हूं 5125, डी के आगे क्या लिख लूंगा 5125 हो जाओ लिख लूंगा। अब देखो कैसे पकड़ते हैं, कैसे इनको देखते हैं। सबसे पहले आओ जे में, जे क्या है अभी अपन ने बात की है, जे क्या है भाई, तो जे है एग्रीकल्चर, जे क्या है एग्रीकल्चर। अब जे एग्रीकल्चर में आप आएंगे ना, तो जे एग्रीकल्चर जो है उसमें लिखा रहेगा ऐसे, उसमें लिखा रहेगा क्या, उसमें लिखा रहेगा छोटा सा नाम लिखा रहेगा क्या, क्या लिखा रहेगा देखो उसकी भी बात करते हैं। जे 3751 में तीन में आप आओगे ना, तीन में आप आओगे, जे तीन में अगर आप आओगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी कृषि तो है ये कृषि तो है, लेकिन कृषि के साथ में किसकी कृषि है, तो आपको ये ऐसा पता चलेगा कि ये फलों की कृषि है। किसकी कृषि है भाई, ये फलों की कृषि है, किसकी कृषि है फलों की। अब फलों में देखो 75, फलों में जो है वो 75 नहीं, ये 751 को ही ले सीधा, फलों में 751 जो है वो क्या है, तो 751 आम है, 751 क्या है मित्रों आम है। अब आम में यहाँ डी लिखा हुआ है, आम में क्या लिखा हुआ है डी लिखा हुआ है, डी का मतलब अल्फाबेटिकल डिवाइस है बोले तो वर्णानुक्रम है। अब D4 क्या है यहाँ पर, तो D4 डॉग नहीं है मित्रों, ये लाइब्रेरी साइंस है, ये लाइब्रेरी साइंस है, इसलिए ये D4 जो है ये दशहरी आम है, ये है कैसा दशहरी, दशहरी दशहरी आम है ये, यानी आप ये समझो ये कौन सा आम है, तो ये है आम की क्वालिटी है दशहरी आम है, कौन सा आम है भाई दशहरी आम है, यानी एक लिखा है जे एग्रीकल्चर है, तीन क्या है तो तीन है फल है, और 751 क्या है तो आम है, और ये क्या है मित्रों तो ये दशहरी आम है, तो बन जाएगा क्या भाई, बन जाएगा क्या पूरा 5125 जो है यानी 3751 जो है वो क्या बन जाएगा, यानी सबसे पहले तो जे, फिर जे के बाद में 3751, तो अब सीधा सीधा बात करें तो ये दशहरी आम है, ये क्या है भाई दशहरी, दशहरी आम सीधा सीधा उत्तर बन जाए। एक एग्जाम्पल और लिया है मित्रों मैंने उधर, उसको भी एक बार देख लेते हैं। डी क्या है देखो, सबसे पहले डी क्या है, तो डी जो है वो है इंजीनियरिंग, डी जो है वो है क्या मित्रों इंजीनियरिंग है, डी क्या है भाई डी इंजीनियरिंग है, पहली बात डी इंजीनियरिंग है। अब बात करेंगे मित्रों पांच के, पांच की क्या है, पांच की सबसे पहले बात करेंगे, पांच क्या है तो पांच यहां है टेक्निक, पांच यहां है टेक्निक, इसको अपन सीधा ले लेते हैं टेक्नोलॉजी, सीधा ले लेते हैं क्या भाई टेक्नोलॉजी। 125 क्या है यहां पर, 125 क्या है तो 125 साइकिल है, 125 क्या है मित्रों साइकिल है। इसके साथ मैंने एक जोड़ दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ए जोड़ दिया, अब ये बन जाएगा क्या भाई, अब ये बन जाएगा एटलस, अब ये बन जाएगा क्या भाई एटलस साइकिल, ये बन जाएगा क्या एटलस साइकिल। मान लीजिए कोई पूरा पूछ ले कि D5125 ए क्या है, D5125 ए क्या है, तो आप याद रखिएगा ये कौन सी साइकिल है, ये है एटलस साइकिल, कौन सी साइकिल मित्रों, तो आप याद रखिएगा ये है एटलस साइकिल, कौन सी साइकिल तो याद रख लीजिएगा एटलस साइकिल। ऐसा अगर कहीं प्रयोगित किया जाता है, ऐसा अगर कहीं बताया जाता है तो मित्रों यही क्या है, यही वर्णानुक्रम विधि है, यानी इसी को कौन सी डिवाइस कहते हैं, इसी को अल्फाबेटिकल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो अल्फाबेटिकल डिवाइस आप समझ गए, अल्फाबेटिकल डिवाइस का इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा मित्रों आपको। आगे कहीं क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का क्वेश्चन बना या फेजिलेशन का बना तो उसका भी जिक्र करेंगे। फेजिलेशन भी दोस्तों तीन प्रकार का फेजिलेशन है, एक तो है अंत विषयी, एक है अंत पक्ष और एक है अंत पंक्ति। विषय है तो दो विषयों के मध्य, अगर पक्ष की बात करें तो एक विषय के दो पक्षों के मध्य, और पंक्ति की बात करें तो एक पक्ष के दो जो पंक्तियां उनके मध्य। कैसे बांटे हैं उसको, आपने बांट लिया इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री, कैसे बांट लिया ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, आपके जैसा मन करता है वैसा ही आपने बांट लिया, तो वहां से आप इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे देखो, जैसे सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, तो एक्स एंड वाई जुड़ गया, अब बीच में फेजिलेशन का प्रयोग करो। फेजिलेशन के लिए हमेशा बात किया अपन ने कि अगर कहीं पर अपन जैसे जीरो को ले रहे हैं तो जीरो के साथ में स्मॉल लेटर्स को
निकालेंगे। तो जीरो के साथ अपन ने जो स्मॉल लेटर्स लिया, जैसे अक्ष ले लिया, अक्ष के बाद में जीरो, जीरो के बाद में स्मॉल लेटर ए, और फिर मान लीजिए वाई लिख दिया। इसका मतलब दो विषयों के मध्य क्या बता रहा है, फेजलेशन बता रहा है। मान लीजिए यही फेजलेशन जो है ये अंतःपक्ष होता तो रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी दो धर्मों के मध्य, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मध्य, आजकल जैसा बड़ा मुद्दा चाहे रहता है हिंदूज में और मुस्लिम कम्युनिटी का, लोग कैसे लोग हैं, मतलब जो एक दूसरे की कम्युनिटी के लिए या एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए, मतलब अत्याचार करने पर उतारू रहते हैं बहुत, मतलब ये एक निम्न श्रेणी का कार्य है मित्रों। आप ये समझिएगा कि अपन जो लर्नर हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, पुस्तकालय तो वैसे ही क्या है, पुस्तकालय तो समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला है। पीछे अपन ने दो किस्नों की बात भी की है कि अगर समाज का दर्पण की बात करें तो पुस्तकालय है, समाज का दर्पण की बात करें तो क्या है भाई, पुस्तकालय है, और पुस्तकालय के दर्पण की बात करें तो वो कौन है मित्रों, वो सूची है। तो जहां लिखा है रिलेशन बिटवीन हिंदूज में एंड मुस्लिम, वहां पर क्या हो जाएगा, अंतःपक्ष हो जाएगा। और मान लीजिए कहीं पर आ गया, जैसे हिंदू कम्युनिटी के लोग पढ़ते कितने हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कितने पढ़ते हैं, तो लिखा है मान लो जैसे मुस्लिम कम्युनिटी तो अलग हो गई और मान लो हिंदू कम्युनिटी अलग हो गई। अब इनमें दोनों में जैसे रूरल हिंदूज और अर्बन हिंदूज, यानी एजुकेशन फॉर रूरल हिंदूज एंड द अर्बन हिंदूज, यानी हिंदुओं में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग पढ़ रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतः पंक्ति दशा संबंध। तो फेजलेशन को भी अलग अलग तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दोस्तों कालक्रम की बात कर लेते हैं, कालक्रम में जहां पर वी लिखाएगा, वी की मेन क्लास लिखी आएगी, जैसे वी लिखा है ऐसे, वी लिखा है ऐसे, तो वी की मेन क्लास क्या है, वी है, वी हिस्ट्री है। अब वी हिस्ट्री जो है मित्रों, उसके बारे में अगर अपन बात करेंगे कहीं पर, तो वी 44 है, तो वी 44 कौन है, इंडिया है। अब इंडिया का विकास, छोटी छोटी चीजें कैसे कैसे बनी है, उन सबका जिक्र अपन क्या कर सकते हैं, समावेशित कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं आगे मित्रों, आगे बढ़ जाते हैं, नया क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि बुक नंबर फॉर्मूला में वी किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये पहले तो आप ले हो, देखो वैल्यूज नंबर है, वॉल्यूम नंबर है, वेन नंबर है, वोट नंबर है, तो उत्तर बनाओ पहले, तो पहले तो उत्तर बनाओ। उत्तर बन जाएगा क्या भाई, उत्तर बन जाएगा वॉल्यूम नंबर, उत्तर बन जाएगा क्या भाई, वॉल्यूम नंबर। अब वॉल्यूम नंबर से आप कैसे याद रखें, देखो यहां पर एक बुक नंबर का एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है मित्रों, बुक नंबर का, किसका फॉर्मूला है भाई, बुक नंबर का। अब बुक नंबर को भी आप याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, देखो बुक नंबर को भी सबसे पहले तो आप याद रखेंगे एल को, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा एल को, उसके बाद एफ को, फिर वाई को, फिर ए को, फिर किसको भाई, ए को, उसके बाद में वी को, उसके बाद में वी को, एस को, सी को और सी आर को, एस को और एस के बाद में किसको भाई, सी आर को। यानी यहां से आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देखो यहां से एल ले लीजिए, एल के बाद में, एल के बाद में एफ, एल के बाद में एफ, फिर वाई है, वाई के बाद में ए है, वी है, एस है, सी है, और सी के बाद में क्या है मित्रों, सी आर है। यहां से हटा देते हैं एक बार, देखो यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जिसे आपको पता चल सके। ये बुक नंबर फॉर्मूला, ये क्या है मित्रों, बुक नंबर फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तो आप याद रखिएगा बुक नंबर फॉर्मूला है। ये बुक नंबर फॉर्मूला कौन देता है, तो ये बुक नंबर फॉर्मूला डॉक्टर एस आर रंगनाथन देते हैं। कौन देते हैं मित्रों, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है वो इस बुक फॉर्मूले को देते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एस आर रंगनाथन के इस बुक फॉर्मूले का, तो ये बुक फॉर्मूला कहाँ है, तो ये बुक फॉर्मूला है सीसी में। दोस्तों यहाँ पर बुक की बात करें तो बुक क्या है, बुक क्या है भाई, बुक है ग्रंथांक, बुक क्या है भाई, ग्रंथांक। और जहां भी ग्रंथांक की बात आएगी वहां पर किसका जिक्र होगा, वहां पर बुक फॉर्मूले का जिक्र होगा। किसका जिक्र होगा मित्रों, बुक के फॉर्मूले का क्या होगा, जिक्र होगा। ये बुक फॉर्मूला किन डिजिट से बना है, तो ये 8 डिजिट से बना है, देखो एल से, एल के बाद में एफ से, उसके बाद में वाई से, उसके बाद ए से, उसके बाद वी से, फिर एस से, फिर सी से, और फिर क्या है, सी आर से। अब देखो एल की बात करेंगे तो एल है मित्रों लैंग्वेज, एल है क्या भाई, एल है लैंग्वेज। बात करेंगे दोस्तों एस के, तो एस जो है ये फोरम, और Y की बात करें तो ये है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये है क्या मित्रों, तो ये है ईयर ऑफ ए पब्लिकेशन, क्या है, तो ईयर ऑफ ए पब्लिकेशन। बात करें दोस्तों A की, तो A जो है वो है असेशन नंबर, A जो है मित्रों वो क्या है, असेशन नंबर है, असेशन नंबर है A, A के बाद में बच गया V, V क्या है मित्रों, तो वो भी आप याद रखिएगा, V जो है वो है वॉल्यूम नंबर, V जो है वो क्या है भाई, वॉल्यूम नंबर, V क्या है मित्रों, वॉल्यूम नंबर। S की बात करेंगे तो यह है सप्लीमेंट नंबर, यह है क्या भाई, सप्लीमेंट, यह है सप्लीमेंट नंबर, कौन सा नंबर मित्रों, सप्लीमेंट नंबर।
नंबर, सप्लीमेंट नंबर। बात करें दोस्तों एस सी की, तो सी जो है वो है कॉपी नंबर। सी जो है वो कौन सा नंबर भाई, सी जो है कॉपी नंबर। और सी आर की बात करें मित्रों, तो सी आर जो है वो है क्रिटिसिज्म नंबर। वो है कौन सा नंबर, क्रिटिसिज्म नंबर। सी आर जो है वो कौन सा नंबर है भाई, क्रिटिसिज्म नंबर। यानी आठ है दोस्तों 2019 यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, और इसका क्रम पूछा गया है। इसका क्या पूछा गया है, क्रम पूछा गया है। एल है, एल के बाद में एफ है, फिर वाई है, ए है, फिर वी है, एस है, सी है और सी आर है। वहां पर उसमें प्रश्न पूछा गया था सी का मतलब क्या है या सी आर का मतलब क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो सी जो है मित्रों वो तो क्या है, सी जो है वो तो है कॉपी नंबर, और सी आर जो है वो क्या है भाई, क्रिटिसिज्म नंबर। बढ़ जाएंगे आगे, आगे नया क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों। नया क्वेश्चन बनेगा राउंड्स एंड सिटी सोसाइटी। ये राउंड्स की जगह रूरल है मित्रों, राउंड्स की जगह क्या है भाई, राउंड्स की जगह रूरल है। राउंड्स की जगह क्या है, रूरल है। रूरल एंड सिटी सोशियोलॉजी किस प्रकार का दशा संबंध है, यानी किसकी बात करें मित्रों, यहां बात करें फेजलेशन की। यहां बात करें किसकी भाई, यहां बात करें फेजलेशन की, यानी किसकी बात करें, फेजलेशन की। अब ये फेजलेशन देखो यहां कैसे दर्शाया गया है, ये फेजलेशन जो है मित्रों वो कैसे दर्शाया गया है उसका यहां पर क्या है, जिक्र है। यानी फेजलेशन जो है, फेजलेशन जो है वो कैसे दर्शाया गया है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो बात करेंगे देखो इस फेजलेशन की, तो ये फेजलेशन जो है वो तीन भागों में है, यानी तीन भागों में क्या है, बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है मित्रों, तीन भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, तीन भागों में। तीन भाग कौन से है, तीन भाग कौन से है, तो पहला तो है देखो, पहला तो है अंत विषयी दशा संबंध। अंत विषयी दशा संबंध यानी सबसे पहले तो किसको बताएगा, वो बताएगा दोस्तों दो विषयों को। किसको बताएगा, दो विषयों को। जैसे अभी अपन ने बात की थी, जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा आता है अक्ष, अक्ष के बाद में मान लीजिए जीरो, और जीरो के बाद में स्मॉल लेटर्स ए ले लिया, और उसके बाद ले लिया वाई। अब ये दर्शा रहा है, ये ऐसा दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है किसको भाई, अंत विषय को। अक्ष एंड वाई है मित्रों, तो अक्ष और वाई क्या है, तो अक्ष है इकोनॉमिक्स, और वाई क्या है, तो वाई जो है वो है सोशियोलॉजी। वाई क्या है मित्रों, सोशियोलॉजी। एक हो गया, यानी एक हो गया बोले तो अंत विषय हो गया। दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा बन जाएगा अंत पक्ष। दूसरा बन जाएगा क्या भाई, अंत है पक्ष। दूसरा क्या बन जाएगा, अंत पक्ष बन जाएगा। अब पक्ष की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए अपन ने अक्ष एंड वाई लिया है, तो वाई में आप ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए वाई में कहीं ले लिया 310 ऐसे कुछ स्मॉल लेटर्स टी ले लिया, ऐसे कुछ बना के लिया अपने, तो यहाँ पर जो पक्षों के बीच में आ गया, जैसे रिलेशन बिटवीन हिंदूज में, या रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में ऐसे आप याद रख लीजिएगा। यानी बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में किस प्रकार के संबंध है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कैसे संबंध है, उन संबंधों को दर्शाया जा रहा है, तो वो क्या है भाई, वो है पक्ष। अब यहां से उत्तर देखिए, यहां है रूरल एंड सिटी सोसाइटी। रूरल और यानी जो छोटे शहरों में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, या गांव की और शहरों की जो सोशियोलॉजी है या समाज है वो कैसा है, तो ये अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो विषय तो है नहीं, यहाँ पर विषय तो है नहीं, ये बन जाएगा अंत पंक्ति। ये बन जाएगा क्या भाई, अंत पंक्ति दशा संबंध जो है मित्रों वो बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप यहां से क्या कर सकते हैं मित्रों, निकाल सकते हैं। यानी एक छोटा सा ही तो काम करना है अपने को, छोटे से काम से इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अंत पंक्ति बता सकते हैं। यहां पर पक्ष की बात करेंगे तो पक्ष का स्वरूप ऐसा हो जाएगा, दो धर्मों के मध्य समानता, जैसा अभी अपन ने बोल के बात की है। बढ़ जाते हैं मित्रों आगे, आगे इकोनॉमिक्स की मेन क्लास है, तो इकोनॉमिक्स की मेन क्लास बना दो मित्रों। इकोनॉमिक्स की मेन क्लास अक्ष है, वाई सोशियोलॉजी है, वाई क्या है मित्रों, सोशियोलॉजी है, वाई सोशियोलॉजी है, अक्ष इकोनॉमिक्स है, अक्ष क्या है, इकोनॉमिक्स है। जेड की बात करें मित्रों तो जेड ला है, जेड क्या है भाई, ला है। ऐसे छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। बात करें मित्रों टी क्या है, तो टी भी याद रखिएगा, टी एजुकेशन है। टी क्या है भाई, टी जो है वो क्या है भाई, एजुकेशन है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप क्या रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखो आगे लिखा है एल, एल के बाद में लिखा है नाइन, और नाइन के बाद में लिखा है ए। सीसी के किस विषय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब देखो एल क्या है, पहले तो ये याद रखिएगा मित्रों, एल क्या है, तो आप याद रखिएगा एल जो है, एल मेडिसिन है। एल क्या है भाई, एल मेडिसिन है,
एल क्या है भाई, मेडिसिन है। अब एल के बाद में, एल के बाद में नाइन है, देखो एल के बाद में क्या है, नाइन है मित्रों। नाइन किस से रिलेटेड है, नाइन किस से रिलेटेड है, तो नाइन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किस से रिलेटेड है, चाइल्ड डेवलपमेंट से, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी बच्चों का जो विकास है उससे क्या है भाई संबंधित है। तरीका ही तो बना रहे हैं ना, लगातार आप बनाते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। नाइन क्या है, चाइल्ड डेवलप है। अब यहां ले रखा है देखो ई, यहां लिख रखा है क्या मित्रों ए, मैं पूरा कर देता हूं आपके लिए। जैसे न कहीं लिखा है नाइन ए, अगर यहां बी लिखा है तो ये तो है भ्रूण यानी एम्ब्रियो। अगर कहीं पर नाइन सी लिखा हुआ है दोस्तों, तो नाइन सी में लिखा है तो ये है चाइल्ड, यानी ये तो है एम्ब्रियो, ये तो है क्या मित्रों एम्ब्रियो, और ये है क्या चाइल्ड, ये है क्या भाई चाइल्ड। इसके बाद में बात करें दोस्तों नाइन एल नाइन डी क्या है, तो डी जो है वो इसको आप वयस्क किशोर या एडोलसेंट जैसा आप नाम क्या है इसको देना चाहें वो यहां पर बन जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे यहां पर ई की, तो ई नाइन एल एल नाइन ई क्या है, ये मित्रों ओल्ड है, ये क्या है भाई ओल्ड है। यहां से उत्तर क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा ये ओल्ड बन जाएगा। तो कहने का मतलब छोटी छोटी चीजें हैं मित्रों, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप जोड़ने में कामयाब हुए तो आप ये समझिए कि आप आसानी से यहां से क्या कर लेंगे, अपना जो उत्तर है ना उसको आप आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। कहते हैं ना कि जमीर जिंदा रख, कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान बन भी जाए तो फकीर वाला दिल जिंदा रख। हार और निराशा जो है मित्रों वो ऐसे ही आती रहती है, अपना जो 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 बढ़ने का जो सिस्टम है ना उसको आप आगे बढ़ाते रहिए, कि आपका जमीर अगर जिंदा है, आपका कबीर अगर जिंदा है, अगर आप सुल्तान भी बन गए, बादशाह भी बन गए, तो दिल जो है वो फकीर वाला अगर आप रखते हैं तो ऐसे मानिएगा कि आपके अंदर एक अच्छे गुणों का समावेश होगा, और अच्छे गुण जो है वो पहला पड़ाव होता है किसी भी चीज को पाने के लिए। तो कहते हैं ना कि मंजिल तो कि मंजिल जो है वो तो अपने कार्य के नजदीक आती है मित्रों। यहाँ से लाइब्रेरी साइंस से आप बहुत सारी चीजें बार बार सीखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एक अच्छा जो स्वरूप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, आपके नजदीक मंजिल जो है वो अपने आप क्या आ जाएगी दोस्तों, नजदीक आ जाएगी। तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है, आप इन चीजों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो 10 क्वेश्चन ही है, 10 क्वेश्चन जी आप कितने भी बना लो। देखो यहाँ पर एम्ब्रियो लिखा है, चाइल्ड लिखा है, ओल्ड लिखा है, मेडिसिन लिखा हुआ है, आप सबका एलिब्रेशन करो। कहते हैं ना कि प्रश्न में से उत्तर निकालो, प्रश्न में से क्या निकालो, उत्तर निकालो। अगर आप प्रश्नों को भली भांति कर देते हैं तो उत्तर जो है मित्रों वो आराम से क्या हो जाता है, निकल जाता है। प्रयास जारी रखिए, एक नए और अच्छे सारगर्भित कंटेंट के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।